भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल का एक मेंबर पाकिस्तानी जासूसी संस्था आईएसआई का एजेंट पाया गया है। मध्य प्रदेश के एटीएस ने 11 लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा है। इनमें से ध्रुव सक्सेना नाम का ये शख्स भी है। ध्रुव ने फेसबुक पर सीएम शिवराज सिंह और भोपाल के मेयर सहित कई बीजेपी नेताओं के साथ अपने फोटो शेयर किए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश एटीएस ने आईएसआई एजेंटों के एक नेटवर्क को पकड़ा है। आरोपियों से 3000 से ज्यादा सिम कार्ड, 50 मोबाइल फोन, 35 सिम बॉक्स जब्त किए गए हैं। इनसे पूछताछ जारी है। शुक्रवार को पुलिस ध्रुव के न्यू मिनाल स्थित घर पहुंची, वहां ताला लगा था। टीम दरवाजा तोड़कर घर में घुस गई। वहां से कई चीजें जब्त की गई हैं। ध्रुव ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल में सीएम और मेयर सहित कई बड़े नेताओं के साथ अपने फोटो शेयर किए हैं। बड़े नेताओं के बर्थडे पर ध्रुव उन्हें बधाई देने वाले पोस्टर बैनर भी लगवाता था। उधर बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अंशुल तिवारी ने कहा, ध्रुव हमारे मेंबर नहीं है, आईटी सेल में उनकी मदद जरूर ली गई है। कांग्रेस के स्टेट चीफ अरुण यादव ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के लिए काम करने वाले इन लोगों में से एक भी मुसलमान नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बकायदा ट्वीट कर बीजेपी पर तंज किया और कहा कि धर्म के नजरिए से देशभक्ति को देखना बंद करें। एटीएस ने प्रदेश के 11 जासूसों को हिरासत में लिया है। इनमें ग्वालियर से 5, भोपाल से 3, जबलपुर से 2 और सतना से 1 व्यक्ति शामिल है। इनमें से 6 को गुरुवार को देर शाम भोपाल कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया।